हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1, दैट इज योर सेट। इसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर दिया है आज की इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 3 में देख भाई ज़्यादा कुछ करना रहता नहीं है, वहाँ पर आपको दो रोस्टर फॉर्म और लिस्टिंग मेथड खुद से बनाने, तो वो क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 को चेकआउट करेंगे। जब मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूँ और क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूँ, तो इसके अंदर अभी जो मैंने पहले वीडियो में बताया था, दैट इज योर रोस्टर फॉर्म का डिस्कशन होगा। रोस्टर और रोस्टर के साथ साथ कौन आता है, तो भाई लिस्टिंग आते हैं। अब इसमें हमें क्या करना रहता है, कैसे आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हो, तो रोस्टर और लिस्टिंग में देख भाई कर्ली ब्रैकेट रहेगा बराबर, और कर्ली ब्रैकेट में ऐसे कॉमास के साथ सेपरेटेड अल्फाबेट हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं। मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पर क्या बनता है, लिस्ट बनता है। जैसे आप लिस्ट बनाते हैं वैसे यहाँ पर काम होता है। और जो दूसरा सेकेंड मेथड है, दैट इज योर सेट बिल्डर। कौन सा मेथड भाई, तो सेट बिल्डर मेथड। और दूसरा मेथड कौन सा रहता है, तो रूल मेथड। सेट बिल्डर एंड रूल मेथड, जब मैं इसकी बात करता हूँ तो ये उल्टा होता है। यहाँ पर आपको क्या बनाना रहता है, तो आपको बनाना रहता है सेंटेंसेस। आपको क्या ड्रॉप बनाना रहेगा भाई, तो सेंटेंसेस। आपको ऐसा ब्रैकेट में ऐसे कॉमा में नंबर्स, ये गिवन होगा, क्या होगा, गिवन। और इसको यूज करके, क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनो, इसको यूज करके आपको क्या बनाना आना भाई, तो सेंटेंस बनाना है। तो चलिए क्वेश्चन जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने ये लिख के नहीं रखा तो प्लीज लिख भी लीजिए, क्योंकि यही सारी चीजें हम आगे भी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बोला, राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग लिस्टिंग मेथड। देख भाई लिस्टिंग मेथड बोल दिया, याद कैसे रखते हैं, तो रोली से याद रखते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये क्या है, रोस्टर फॉर्म भी है, और अगर ये रोस्टर फॉर्म भी है तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट यूज करना है विद सेपरेटेड कॉमास के साथ। तो चलिए, ऑल द मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर की अगर मैं बात करूँ, तो इंडियन सोलर ईयर में देखो दो तरीके के ईयर होते, एक होता है ग्रिगोरियन, एक होता है ग्रिगोरियन ईयर होता है, और एक होता है सोलार ईयर। जब मैं ग्रिगोरियन ईयर की बात करता हूँ तो जनवरी फेब्रुवरी मार्च ये सब आता है। जब मैं सोलार ईयर की बात करूँगा तो चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ ये सब आएगा। तो इनडायरेक्टली मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, चैत्र वैशाख वाला पैटर्न को लिखना है। तो जब मैं इसके आंसर्स को फ्रेम करूँगा तो यहाँ पर जब मैं इसका सल्यूशन लिखूंगा, क्या लिखूंगा भाई, तो सल्यूशन। सल्यूशन जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, कौन से फॉर्म में लिखना है, तो लिस्टिंग मेथड। तो यहाँ पर आप क्या लिख दो भाई, तो लिस्टिंग मेथड। अब जब मैंने लिस्टिंग मेथड लिख दिया है, इसके बाद मैं क्या स्टार्ट करूँगा, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा और यहाँ पर मैं लिखना चालू करूँगा। सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा भाई, तो चैत्र, फिर मैं क्या लिखूँगा, वैशाख, वैशाख लिखूँगा, फिर चैत्र के बाद वैशाख के बाद क्या आता है भाई, तो ज्येष्ठ, ज्येष्ठ। एग्जाम में ये क्वेश्चन कंपलसरी पूछते हैं, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ हो गया, उसके बाद क्या आता है, आषाढ़ आएगा, आषाढ़ आएगा, ए ए एस एच ए डी एच। आषाढ़ के बाद क्या आएगा, तो श्रावण आएगा, एस एच आर ए वी ए एन ए, श्रावणा या फिर श्रवण जैसा आप लिखें। इसके बाद आता है भाद्रपद, बी एच ए डी आर ए पी ए डी, भाद्रपद। इसके बाद आएगा आपका आश्विन, इसके बाद आएगा आश्विन, आश्विन के बाद आपका आएगा कार्तिक, फिर आता है मार्गशीर्ष, यहाँ पर आएगा कार्तिक, कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष, एम ए आर जी आई एस आई एस एच, एक मिनट ये स्पेलिंग गलत हो गई, मार्गशीर्ष, 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 एम ए ए आर जी एच ए एस आई एस एच, मार्गशीर्ष हो गया ये। फिर इसके बाद मार्गशीर्ष के बाद आएगा पौष, पौष, फिर उसके बाद आएगा माघ, और इसके बाद लास्ट आता है आपका फाल्गुन। स्पेलिंग ज़रा ध्यान से देखना, क्योंकि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो सबसे ज़्यादा कोई मिस्टेक अगर आपका होगा तो स्पेलिंग पे होगा। तो टोटल देखो हमने क्या किया, कर्ली ब्रैकेट लिखा है, कर्ली ब्रैकेट के साथ साथ यहाँ पर क्या यूज़ किया, तो कॉमास यूज़ किया है। मतलब मैंने इसको कौन से फॉर्म में लिख दिया भाई, तो लिस्टिंग वाले फॉर्म में लिख दिया जैसा वो उन्होंने बोला था। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, देखो राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग लिस्टिंग मेथड, राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग लिस्टिंग मेथड, लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। तो अभी देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अतरंगी है, अभी इसको मेरे को किस में लिखना है, तो लिस्टिंग मेथड। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया भाई, तो लिस्टिंग मेथड लिख दिया। अब कॉम्प्लीमेंट में कौन से वर्ड आए, तो सबसे पहले मैं
कर्ली ब्रैकेट ओपन करूंगा तो सी आया है क्या, यस yes. कॉम्प्लीमेंट में सी आया तो सी लिखेंगे, फिर कॉमा, फिर ओ, फिर कॉमा, फिर एम, फिर कॉमा, फिर पी, फिर कॉमा, फिर एल, फिर कॉमा, फिर ई, फिर कॉमा, फिर एम. देखो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या लिखा, सी लिखा, ओ लिखा, एम लिखा, पी लिखा, एल लिखा, ई लिखा. वापस एम लिखेंगे क्या, नहीं, क्योंकि आपने एक बार एम यहाँ पर लिख चुके. वापस ई लिखेंगे क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि आपने एक बार ई लिख चुके. वापस एन लिखेंगे, यस, आप एन को वापस लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका एन आएगा, फिर कॉमा आएगा टी. तो ये हो जाएगा आपका वर्ड्स लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट. इसका मतलब क्या हो रहा है भाई, जो रिपीट हो रहा है ना, जो आपके लेटर्स लेटर्स जो क्या हो रहे हैं भाई, तो रिपीट होंगे, रिपीट होंगे, उन्हें हमको कितनी बार लिखना है, सिर्फ एक बार लिखना है. कितनी बार, सिर्फ एक बार ही लिखना है. आई होप आपको इतना समझ में आ रहा है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 3. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चेकआउट करेंगे तो क्या बोला, देखो, राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग लिस्टिंग मेथड, मतलब क्या भाई, तो रोली मेथड, मतलब क्या, ब्रैकेट कॉमा कॉमा ब्रैकेट. सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन, अगर मैं ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन की बात करूँ तो इसको सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिख दो भाई, तो लिस्टिंग मेथड या फिर लिस्टिंग फॉर्म लिख दिया. इसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट चालू करेंगे. ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन कौन से होते हैं, तो एक होता है आपका आइज, फिर उसके बाद होता है ईयर, फिर इसके बाद होता है नोज, फिर इसके बाद क्या होता है भाई, तो टंग, और टंग के बाद एक और क्या आता है, स्किन. तो टोटल 5 सेंसरी ऑर्गन ये आपको यहाँ पर लिखना है, फिर कॉमा डाल के काम खत्म. बस इतना ही आपका आंसर रहेगा. तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. चलिए जब मैं क्वेश्चन नंबर 4 को चेकआउट करूंगा तो यहाँ पर क्या बोला, ध्यान से सुनना. राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग लिस्टिंग मेथड, सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20. मुझे प्राइम नंबर लिखना है जो 1 से 20 के बीच में आता है. अब अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूँ तो प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होगा, चलो इसके आंसर की अगर मैं बात करूँ तो इसको आप लिखेंगे यहाँ पर कैसे लिखेंगे, तो लिस्टिंग मेथड. यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, लिस्टिंग मेथड, बराबर. लिस्टिंग मेथड में आप यहाँ पर कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा. और कौन कौन है जो प्राइम नंबर में आता है, वन आएगा क्या, नहीं, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, वन इज एन ऑड नंबर. तो प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होगा, 2 से होगा. 3 आएगा क्या, यस 2, 3, 4 नहीं आएगा, 5, यस 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 आएगा, फिर 12 नहीं, 13 आएगा, 14, 15, 16 कुछ नहीं, 17 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, 19 एंड द ब्रैकेट क्लोज. तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया कि ये आपका लिस्टिंग मेथड कैसे तैयार होगा. तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. अभी ये जो क्वेश्चन दिया है ना, ये क्वेश्चन आपको 20 तक ही दिया, ये 50 तक भी पूछ सकते हैं, ये 30 तक पूछ सकते हैं, ये 100 तक भी पूछ सकते हैं, तो आपको उतने आंसर्स लिखने पड़े. चलिए जब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला, तो लिस्टिंग मेथड, और लिस्टिंग मेथड में क्या बोला, नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड. जब मैं कॉन्टिनेंट्स की बात करूंगा तो टोटल वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स है भाई, तो 7 कॉन्टिनेंट है. मुझे इन्हीं 7 कॉन्टिनेंट का क्या बनाना है भाई, तो लिस्ट बनाना है. तो मेरा ये क्या हो जाएगा भाई, तो लिस्टिंग मेथड हो जाएगा. अब जब मैं इस लिस्टिंग मेथड को ड्रॉ करूंगा या फिर लिखूंगा तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनो. सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिख देंगे भाई, तो लिस्टिंग मेथड या फिर लिस्टिंग फॉर्म, फिर यहाँ पर आप डालेंगे कर्ली ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ पर आप स्टार्ट कैसे करेंगे, तो सबसे फर्स्ट मैं एशिया से स्टार्ट करता हूँ, एशिया के बाद मैं लिख दूंगा क्या भाई, तो अफ्रीका लिख दूंगा, अफ्रीका के बाद मैं क्या लिख दूंगा जो मुझे याद आ रहा है, दैट इज़ योर अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बाद एक और नेक्स्ट नाम मुझे याद आ रहा है, दैट इज़ योर यूरोप, यूरोप के बाद एक नेक्स्ट नाम याद आ रहा है, दैट इज़ योर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद अभी कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, 2 और लिखना है. तो एक हो जाएगा आपका नॉर्थ अमेरिका और एक हो जाएगा आपका साउथ अमेरिका. तो एक हो गया मेरा नॉर्थ अमेरिका और इसी के साथ साथ एक मेरा क्या रहेगा भाई, तो साउथ अमेरिका. बस काम हो गया, ये टोटल मेरे हो जाएंगे क्या भाई, तो 7 के 7 कॉन्टिनेंट्स मैंने लिख दिए. और इसी को आपने लिस्ट कॉमा और कॉमा से सेपरेट करके लिख दिया, मतलब लिस्टिंग मेथड हो गया. कभी कभार यही क्वेश्चन देख के आपको एग्जाम में बोलेंगे, राइट द गिवन क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ रोस्टर फॉर्म, तो भी आपको सेम लिखना. तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहेगा. तो अगर आपको वीडियो पसंद है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही हैं, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं. चैनल पर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. मिलते अगले वीडियो में कुछ ऐसे नए आगे के कंटिन्यूएशन के साथ. तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर.